तो साथियों, आज हम चल रहे हैं मसूरी। गाड़ी निकाल रहा हूँ और ये गाड़ी अपनी काफ़ी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने के बाद मसूरी की तरफ हम निकलेंगे। और मसूरी जो कि सितंबर के महीने में काफ़ी धुंध है, काफ़ी ठंडा है ऐसा बताया गया है। यहाँ की सड़कें काफ़ी खूबसूरत हैं और सड़कें तो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लगातार इन्हीं सड़कों पर गाड़ी चलाई जाए। दोनों तरफ ये बड़े बड़े पेड़, लंबे लंबे हरियाली भरे रास्ते, और इन पेड़ों के बीच से ये रास्ते इतने खूबसूरत लगते हैं कि ड्राइविंग का एक अलग ही आनंद आता है। और जब भी कभी हम मसूरी आते हैं, देहरादून से आगे बढ़ते हैं, समझ में आने लगता है कि अब आप पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंच चुके हैं। चलिए आज आप भी मेरे साथ मसूरी के सफ़र पे। देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर है ये मसूरी, और देहरादून बिल्कुल ही प्लेन में है। और देहरादून से जब आप मसूरी के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे साधन हैं, बसें भी चलती हैं, अपनी गाड़ी से भी आप जा सकते हैं, स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं देहरादून से। और सबसे आनंद तो स्कूटी में है। अगर आप स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, एक दिन का लगभग 600-700 रुपया लगता है, और आप स्कूटी से इन हसीन वादियों को देखते हुए, इन पहाड़ों को देखते हुए, स्कूटी चलाते हुए और रास्ते में चाय पीते हुए, मैगी खाते हुए आराम से आ सकते हैं। भुट्टा भी आजकल बहुत बिक रहा है, और ये बादल जो देख रहे हैं ना, ऐसा लगेगा कई बार तो बादल आपके शरीर से टकरा जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप देहरादून से ऊपर की ओर चलते हैं तो हाइट पे आप जाते हैं, और हाइट पे जब आप जाते हैं तो ये बादल आपके बिल्कुल ही पास से गुजरते रहते हैं। रास्ते बड़े ही खूबसूरत हैं, हरियाली भरे रास्ते। बारिश का मौसम है, वैसे तो आज बरसात नहीं हो रही है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण हरे हरे पेड़, हर तरफ हरियाली छाई हुई है। टूरिस्ट आजकल कम आ रहे हैं क्योंकि बरसात में लोग पहाड़ों पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तो हर समय पहाड़ों पर आते हैं, इसलिए इस बार फिर से बरसात के सीज़न में ही निकले हैं पहाड़ों पर। और ये खूबसूरत जगह, खूबसूरत रास्ते एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी मसूरी घूमने आइए। और चलिए आपको मैं म्यूजिक के साथ लेकर के चलता हूँ, और इन रास्तों को देखते हैं, और धीरे धीरे हम मसूरी की तरफ बढ़ते हैं। और मसूरी में जब हम पहुँचेंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा आएगा।
पड़ेगा, ये बादल नीचे आगे पहाड़ पे अपन मसूरियाँ पहुंच चुके हैं बादलों के बीच। ये जो देख रहे हैं ना लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो में, ये बादल ऐसा लग रहा है कि बरसने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल हैं सामने। ये नीचे कुछ वैली है तो कई बार तो बादल नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और ये नज़ारा जब आप बिल्कुल ही अपनी आँखों से देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से हटें, क्योंकि बादल अचानक ही तेज़ी से आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर में बादल आ जाता है। तो ये लगातार ये ऐसा चलते रहता है। और ये देखिए इस साइड में जो बादल हैं ये तो बिल्डिंग के साथ ही अभी हैं, तो ये लगातार अगर आप दिन भर भी यहाँ खड़े रहते हैं, मसूरी का लाइब्रेरी चौक है और यहाँ से हर तरफ आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेगा। यहाँ अभी बादल देखिए पूरा छा गया है आसमान में। तो मसूरी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आ जाता हूँ, और आपको भी जब मौका मिले आप एक बार ज़रूर आइए और देखिए कि आखिर पहाड़ों की रानी मसूरी को ही क्यों कहा जाता है, ये अपने आँखों से देखिए।